जनपद लखीमपुर खीरी में आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी किसान मजदूर संगठन सिख संगठन के द्वारा दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में कई स्थानों पर रैली धरना प्रदर्शन जाम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गोला गोकर्णनाथ के सदर चौराहे पर सपा के राज्यसभा सांसद रवि वर्मा, पूर्व विधायक विनय तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। वहीं गोला में खुटार रोड पर आवास विकास चौराहे पर किसान मजदूर संगठन के लोगों द्वारा जाम भी लगाया गया। पलिया कस्बे में कमल टाके चौराहे पर किसान मजदूर संगठन के लोगों ने जाम लगाया। संपूर्णा नगर में मिल चौराहे पर भी किसानों के समर्थन में जाम लगाया गया। धौरहरा में अंकित मिश्रा के नेतृत्व में 50 लोगों ने जाम लगाया। निधासन में सपा के 100 कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। मोहम्मदी गोला मार्ग पर सपा नेता आरएस उस्मानी के नेतृत्व में जाम लगाया गया। जीटी रोड पर लड़ैती पेट्रोल पंप व मैगलगंज गुरुद्वारे पर भी सिख संगठन व किसान मजदूर संगठन के गुरुपेश सिंह, सुनील लाला, पूर्व विधायक द्वारा 50 लोगों के साथ जाम लगाया गया। लखीमपुर में भी नगर में सपा के लोगों द्वारा अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। गोला कोतवाली के अलीगंज क्षेत्र में तिकोनिया चौराहे पर लोक जन संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में जाम लगाया गया। जिले में पूर्व प्रस्तावित स्थानों के अतिरिक्त कई और स्थानों पर भी जाम और प्रदर्शन किया गया। निधासन तहसील के तिकोनिया कस्बे में सिख संगठन के युवकों ने नारेबाजी करते हुए मार्केट बंद कराने की कोशिश की, जिसे पुलिस बल ने असफल कर दिया। लखीमपुर खीरी से लक्ष्मीकांत गुप्ता की खास खबर। भारत में बंदी के दौरान जहाँ पर एक बंदी की बात आ रही थी, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बंद करने की बात चल रही थी, वहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से मात्रा में होटल खुले हुए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है आने जाने वाले हर एक वाहन की रोक करके अराजक तत्वों को भी तलाशी ले रही है। संदेश दिखाई व्यक्ति पढ़ने वालों को भी रोक करके उनसे पूरी पूछताछ कर रही है और किसी भी तरह का कोई भी दंगा फसाद न फैले, इसलिए पूर्ण रूप से पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर लगी हुई है और पैदल फ्लैग मार्च कर रही है कि पूर्ण रूप से शांति का माहौल बना रहे। हिंदुस्तान न्यूज़ 24, जिला ब्यूरो चीफ लक्ष्मीकांत गुप्ता।